काफी मैंने रिपोर्ट देखी, तकलीफ होती है। हमें तकलीफ इसलिए होती है कि जो हमारे 12 लाख रेलवे के श्रमिक भाई बहन हैं उनके मनोबल पे कहीं असर पड़ता है। कहा गया कि 9 दिन में कोई ट्रेन गई। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 3 दिन से ज्यादा केवल 4 ट्रेनों ने समय लिया है, 72 घंटे से ज्यादा केवल 4 ट्रेनों ने समय लिया है, और वो ट्रेनें मणिपुर, जिरीबाम, अगरतला की तरफ जा रही थी। 4 ट्रेनें छोड़ दीजिए 3840 में से, तो 3836 ट्रेनें 4 दिन से कम, 72 घंटे से कम में गई हैं वो, और वो भी उसमें 2 मेन फैक्टर थे जिसकी वजह से कुछ ट्रेनें विलंब हुई। एक फैक्टर ये था कि आसाम में लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड में पानी आ गया, 12 घंटे तक वो ट्रैक बंद करना पड़ा हमको सेफ्टी की दृष्टि से, और वहां पे हमें ट्रेनें रोकी, 12 घंटे तक रोकी, और जितने भी उसमें मुसाफिर थे उनको एक ऐसे स्टेशन पे रोका जहां पे कि हर चीज की व्यवस्था थी। सो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर 3840 ट्रेनें, उसमें से अगर मैं आपको बताऊं 90% ट्रेन जो 3500 ट्रेन है, वो जो नॉर्मल मेल एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड होती है, नॉर्मल मेल एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड होती है उससे ज्यादा एवरेज स्पीड से पहुंची हैं।